ठुमरी दादरा गझल यासारख्या उपशास्त्रीय संगीतांच्या आवडीतून सखोल अभ्यासक झालेल्या धृती चॅटर्जी यांच्या सांगीतिक कारकिर्दीविषयी आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी तन्मय मेंढळे यांनी आपण जसजसा सखोल अभ्यास करतो कोणत्याही क्षेत्राचा तसं तसं आपण त्याच्यामध्ये अजून सखोलतेने शिरायला लागतो संगीत हे क्षेत्र देखील असंच आहे संगीताला सीमा नाही परंतु त्याच्या अनेक परिसीमा आहेत आपण जितका अभ्यास करू आणि जितका सखोल जाऊ तितका कमी आहे आणि असाच संगीताचा सखोल अभ्यास करणाऱ्या आणि वैविध्यपूर्ण विषयांवर आपलं रिसर्च चालू ठेवणाऱ्या आणि एक अभ्यासक म्हणून संगीताकडे दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्या धृती चॅटर्जी या गायिके सोबत आज अपन बातचीत करना आहो नमस्ते धीति नमस्ते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने गायन की शिक्षा कहाँ से ली है आई एम बेसिकली फ्रॉम कैलकटा मैं कलकत्ता से हूँ वेस्ट बंगाल की तो मेरी uh, शिक्षा शुरू हुई थी सांगीतिक शिक्षा शुरू हुई थी आचार्य जयंत बोस जी uh, उनसे विष्णुपुर घराने के हैं तो उनसे मेरी फॉर्मल uh, म्यूज़िक की स्टडी शुरू हुई थी उसके बाद मैं महाराष्ट्र आई यहाँ पे आके मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मास्टर्स की तो मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में मास्टर्स जब मैंने किया था तो वो लेट पंडिता सुहासिनी कोरतकर जी के गाइडेंस में मैंने की थी तो उनके पास मैंने सीखी उसके बाद मैं विदुषी पंडिता पदमा तलवलकर जी के पास तालीम ले चुकी हूँ पंडिता आरती अंकलकर जी की भी थोड़ी बहुत आशीर्वाद मुझे मिली उनकी भी तालीम मुझे मिली अभी प्रेजेंटली मैं पद्मश्री विदुषी शुभा मुदगल जी के पास तालीम ले रही हूँ और गजल के लिए मैंने थोड़ी सी खास तालीम मुझे मिली है और पुणे में गज़ल के लिए मुझे ख़ास तालीम थोड़ी सी मिली थी उसकी अपॉर्चुनिटी उसकी मुझे थोड़ा सा हुआ था विदुषी पंडिता शशिकला शिरगोपीकर जी से तो उनसे मैंने गज़ल की थोड़ी बहुत तालीम भी मैंने लिया है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सामाजिक कार्य और आपके संगीत की कॉन्सेप्ट क्या है मतलब आप जब कलकत्ता में थी तो आपने सामाजिक कार्य संगीत के माध्यम से किया था तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी हाँ इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगी एक्चुअली मैंने सोशियोलॉजी में एम ए किए हैं कैलकट यूनिवर्सिटी से तो म्यूज़िक uh, के फील्ड में फुल टाइम काम करने के पहले आई वॉज़ इन टू द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट तो मैंने केयर इंडिया चिल्ड्रन इंटरनेशनल इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किए हैं तो उस समय मैंने बहुत सारे uh, बच्चों जो थोड़ा सा बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने की मुझे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मुझे ये एहसास हुआ था उस समय कि हम अगर किसी को एडुकेशन के थ्रू अगर हमको उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है सेल्फ mm डिपेंडेंट -hmm. बनाना है mm -hmm. तो वो सिखाने के लिए कल्चर इज़ कैन बी वन ऑफ़ द मेन मीडियम तो कल्चर का जो माध्यम मुझे थोड़ा बहुत आता है जिनके ऊपर मैं काम करती हूँ दैट इज़ वोकल म्यूज़िक तो मैंने बहुत सारे बच्चों को जो थोड़ा सा सोसाइटी uh, के पीछे पड़े हुए बच्चे हैं सो कॉल्ड हम जिनको बैकवर्ड क्लासेस चिल्ड्रन बोल सकते हैं बोल के हम जिन्हें एड्रेस कर सकते हैं उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किए मैंने उनको म्यूज़िक सिखाने की कोशिश की थोड़ी बहुत जितना मुझे आता है और उनसे मुझे जो रिस्पांस मिला जितना पैशन मिला जितना उनसे मुझे आग्रह मिला वो मेरे संगीत जीवन के लिए बहुत बड़ी सी इंस्पिरेशन रही है और आज भी वो है तो आज भी मैं कोशिश करती हूँ मेरे मैं जहाँ पे रहती हूँ आसपास के बच्चे जिन्हें सीखने की मौका नहीं मिलती है उनके साथ एटलीस्ट ट्वाइस इन अ मंथ बैठने की उन्हें थोड़ा सा सिखाने की उनमें से दस बच्चे में से एटलीस्ट टू थ्री बच्चे मुझे मिलते हैं जो कि मोर देन एवरेज क्या बोलूँ मतलब बहुत ही आगे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उन उन लोगों को सिखाने के लायक ही नहीं हूँ शायद मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं थोड़ा ज़्यादा सीख पाई हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं परफॉर्म करने की आ, मुझे जगह मिल रहा है फ़ोरम मिल रहा है उनको अगर उन बच्चों को अगर वो जगह मिले तो पता नहीं वो कहाँ तक जाएंगे तो मुझे जब तक मेरे से हो सकेगी पॉसिबल वहाँ तक मैं कोशिश करूँगी मेरे आसपास जो बच्चे हैं या थोड़े एडल्ट्स भी हैं जिनको आ, तालीम की ज़रूरत है लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं मेरी तालीम जितनी हुई है वहाँ से जितना पॉसिबल हो मैं वो फैलाने की कोशिश करूँगी दैट इज़ माई प्रोमिस दैट इज़ माई कमिटमेंट टूअर्ड्स म्यूज़िक थैंक यू एंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रियलिटी शो एंड फ्यूजन इसके बारे में आपकी क्या राय है आप इसके बारे में क्या कहेगी मैं आ, पहले फ्यूजन से शुरू करना चाहूँगी मैं जो समझती हूँ कि नो सिविलाइजेशन और नो प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल विदाउट द फ्यूजन ऑफ टू कल्चर्स तो अगर कल्चर को या कोई सभ्यता को आगे बढ़ाना है तो दो चीज़ों की मिलन संगम या फ्यूज़न अब जो भी उन्हें बोले वो बहुत ज़रूरी है लेकिन दो कल्चर को दो फॉर्म्स को फ्यूज़ करने के लिए वो दो फॉर्म्स के ऊपर आपका फुल कमांड होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तो अगर इन uh, म्यूज़िक अगर हम म्यूज़िक के uh, हिसाब से बात करें मैं ये बोल सकती हूँ ये मे मेरा फील uh, है मेरा रियलाइजेशन है कि वेस्टर्न म्यूज़िक एंड इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक अगर ये दोनों फॉर्म ऑफ म्यूज़िक को हम फ्यूज़ करेंगे तो बिफोर दैट वी शुड हैव द फुल कमेंड ऑन ऐटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक मुझे एटलीस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर थोड़ा सा थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कमांड होना चाहिए आफ्टर दैट मैं और एक वेस्टर्न म्यूजिशन और या और कोई म्यूजिशियन जो उस म्यूज़िक के ऊपर जिनका कमांड है बोल के एटलीस्ट मैं महसूस करती हूँ उनके साथ वी कैन वॉक टुगेदर लेकिन ये बात ऐसा ना हो जाए कि फ्यूज़ करने के जगह एक खेल कूद हो जाए सो दिस इज़ नॉट अ गेम और प्ले इट्स अ वेरी सीरियस इशू तो वी शुड टेक दिस इशू वेरी ऑन अ वेरी सीरियस नोट बट इट्स वेरी पॉजिटिव एंड विदाउट फ्यूजन नो no डिवलपमेंट no so uh, और नो इवोल्यूशन इज़ पॉसिबल सो दैट इज़ दैट इज़ माई रियलाइजेशन और रियलिटी शोज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि शोज़ या परफॉर्मेंस तो सभी परफॉर्मेंस इज़ रियल सो so, रियलिटी शो बोल के अलग से ये टैग करना आ, या किस, किसी को ऐसे टाइटल देना इसका आ, मतलब मुझे उतना नहीं आ, समझ में आता है अभी तक लेकिन हाँ बच्चे कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स वहाँ से आ रहे हैं और सबके सामने परफॉर्म करने की एक आदत हो रही है बहुत कम उम्र में हो रही है लेकिन इसका एक दो चीज़ मुझे जो लगता है कि रियाज करने की अभ्यास करने की जो संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में या म्यूज़िक में संगीत में है ये रियलिटी शोज़ के जरिए जो हो रहा है कि बहुत कम आ, समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है मतलब मटेरियलिस्टिक एंगल से हम देखें तो ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो उससे रियाज़ के ऊपर या फिर रियाज़ को पकड़ के आगे चलने की जो अभ्यास है उसके ऊपर हमारी आ, उस संस्कार के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा कम होती जा रही है तो वो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों साइड बैलेंस करके हम आगे बढ़ सके तो कोई भी शो अनरियल नहीं होगा सब ही रियलिटी शो हो जाएगी एंड एवरी कॉन्सर्ट इज अ रियलिटी शो सो दैट इज मैं ऐसा दे बहुत खूब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये क्षेत्र क्यों चुना आपने ऐसे सोच के रखा था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है करके नहीं ऐसा तो मैंने शुरू से नहीं आ, सोच के रखा था क्योंकि आ, मेरा जो बैकग्राउंड है आई डोंट बिलोंग टू म्यूजिकल फैमिली तो आ, मेरे पिताजी एक आ, राइटर थे आ, और ही ही यूज़ टू वर्क विथ अ बैंक एंड मेरे घर में बहुत सारे आ, कल्चर के जो भिन्न भिन्न जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर चर्चा की एक परिवेश थी इन्वायरमेंट थी जैसे कि थिएटर लिटरेचर म्यूज़िक बट मैं म्यूज़िक को ही अपना एक प्रोफेशन चुनूँगी uh, ऐसा कुछ डिसीशन uh, मैंने एकदम शुरू से नहीं लिया था hmm. लेकिन हर एक आदमी को इंसान को ज़िंदगी में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम चाहिए hmm. वो इधर वो स्टडीज़ में करे या कोई जॉब में करे या फिर अपनी रोज़ की ज़िंदगी में करे तो मैं संगीत सीखती थी रियाज करती थी सुनती थी जब मैंने सोशियोलॉजी में एम ए कम्प्लीट की आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब तो वो 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 भी मैंने कुछ दिन कंटिन्यू की लेकिन उसके बाद मुझे जो लगा कि मैं वो जॉब के साथ या मेरी जिंदगी के साथ या मेरे जिंदगी से जुड़े हुए लोगों के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन का जो मीडियम है दैट इज़ म्यूज़िक मुझे कितना म्यूज़िक आता है दैट इज़ नॉट द पॉइंट मुझे बहुत सीखना है लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं खुद को बहुत सच्चाई के साथ एक्सप्रेस कर पाऊँगी तो मीडियम म्यूज़िक ही होगी okay. तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर करके ही एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर आई डिसाइडेड कि मैं म्यूज़िक में ही अपनी सारी जिंदगी बिताऊंगी जी ओके okay. मुझे आपसे ये पूछना था कि ख्याल ठुमरी गज़ल ये आपकी जो खासियत है इसके बारे में आप क्या कहेंगे आ, मैं तो सीखी हूँ अभी तक सीख रही हूँ शास्त्रीय संगीत लेकिन ये जिनको हम उपशास्त्रीय म्यूज़िक बोलते हैं उपशास्त्रीय संगीत के भिन्न भिन्न धारा जैसे कि गजल, ठूमरी चैती दादरा भजन या और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं इनके इस फॉर्म्स के ऊपर मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही प्यार अ, है शुरू से शायद इसलिए कि यहाँ पे जो काव्य या फिर पोइट्री है पोइट्री की अहमियत या इम्पॉर्टेंस मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है ये नंबर वन और नंबर टू यहाँ पे हमारी फ़्लेक्बिलिटी टेक्निकल फ्लैक्बिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है क्लासिकल म्यूज़िक में अगर मैं एक राग गा रही हूँ तो उस राग की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट तो मैं वो ब्रेक नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं दिलो जान से चाह रही हूँ कि मैं कुछ देर रूल्स फॉलो करने के बाद एक बार वो रूल को ब्रेक करूँ मैं दिलो जान से वो चाह रही हूँ वो बे, बेचैनी मेरी अंदर है तो ये ठुमरी गज़ल या ये सब जो फॉर्म्स है वहाँ पर मुझे वो लाइसेंस है कि एक जगह जाने के बाद मैं वो सब रूल को थोड़ा बहुत ब्रेक करके फिर वापस आ सकती हूँ तो घर से मैं बाहर नेबर के घर जाके फिर घर आ सकती हूँ तो घर की आ, इम्पॉर्टेंस या घर की जो प्राइसलेसनेस है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा हो जाती है जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो इसीलिए ये फॉर्म्स शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट यस यस तो दैट इज़ मेन रीज़न बहुत खूब भारत और विदेश में आपने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्म करते वक्त की सुनहरी याद बताएंगी दिनमान के मंच पे जी 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 बताऊंगी जैसे आ, मुझे, आ, आ, कि मुझे हालांकि बांग्लादेश में मैं दो तीन महीने के पहले गई थी परफॉर्म करने के लिए तो वहाँ जाके मुझे लोगों से इतना प्यार मिला और दे आर सो सिंपल पीपल जो सिम्पलिसिटी मुझे मिली और एक ही परफॉर्मेंस थी मेरी वहाँ पे तो एक परफॉर्मेंस होने के बाद वहाँ की जो आई जो है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ ढाका तो वहाँ से मुझे आ, ऑन द स्पॉट वहाँ के जो लोग आए थे सुनने के लिए वहाँ से मुझे एक इन्विटेशन मिला कि आप कल वहाँ जाके अगर एक दूसरा आपकी परफॉर्मेंस वहाँ अगर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी तो ऐसी रिवॉर्ड ऐसी जो ऑन द स्पॉट क्या बोलूँ वो रियलिटी शोज़ की जो मज़ा है तो यहाँ पे ही सभी शोज़ रियलिटी शोज़ ही होती है जो ये जो रिस्पॉन्स मुझे अपने ऑडियंस से आए और जिनके ज़रिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ दूसरे दिन मैंने मेरी दूसरी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस दी तो ये सब बातें ही हमारी रोज़ की जिंदगी की जो रियाज है जो हम घंटों तक करते हैं उसमें हमको हर एक पल इंस्पिरेशन देती है जी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि परफॉर्मिंग आर्ट और टीचिंग इन दोनों में भेद क्या है इसके बारे में आप क्या कहेगी ज़रूर इसमें एक बहुत ही लंबी दूरी है एक हिसाब से और एक हिसाब से बोलूँ तो है भी नहीं आ, एक तो संगीत के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि संगीत में देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु संगीत में हमें गुरु चाहिए टीचर नहीं तो जैसे कि मुझे जिन गुरुओं की आशीर्वाद आज तक मिले हैं तो उनसे मुझे हर पल ये एहसास होती है कि शायद अभी तक मैं गुरु बनने के लायक नहीं हुई हूँ कि उन उन लोगों की जो सैक्रिफाइस है उन लोगों की सिखाने की जो रियाज है सिखाने की भी एक रियाज होनी चाहिए हम बोलते हैं कि सीखने की ही रियाज होती है जितना पेशेंस लेके हमारे जैसे बिगिनर्स को हमारे जैसे स्ट्रगलर्स को वो सिखाते हैं मेरे मेरे गुरु विदुषी शुभा मुद्गल जी उनके पास मैं जाती हूँ तो आ, आपको पता ही है कि वो कितने बिज़ी आर्टिस्ट हैं किन लीग के आर्टिस्ट वो हैं लेकिन वो जब हमारे सामने बैठ के घंटों घंटों तक तीन घंटा चार घंटा हमारे सामने बैठ के वो सिखाते हैं और हम तीन घंटे में तीन सौ तीन सौ से भी ज़्यादा हज़ार गलतियाँ करते हैं हर एक पल और उनका एक भी एक्सप्रेशं ऐसा नहीं होता है जिनसे मुझे लगे कि कल से मैं रियाज़ बंद करूँ हाँ हमें डांट पड़ती है बहुत डांट पड़ती है लेकिन उस डांट में एक लाड भी होती है और जो लाड हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है कि हाँ गुरु माँ से मैं घर जाऊँगी और घर जाके ही तानपुरा लेके बैठूँगी उनकी गुरु की प्रेजेंस आपको जो पॉजिटिव वाइब्स देंगे वो आपकी हर पल की ज़िंदगी की शक्ति होनी चाहिए तो और परफॉर्मेंस के टाइम तो यू आर अ परफॉर्मर यू आर द किंग यू आर ऑन द स्टेज यू आर द किंग और यू आर द क्वीन तो आपको वो महसूस अंदर ही अंदर होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी हो uh, वो रूलिंग अथॉरिटी आपके ऊपर है तो ना यू हैव टू रूल द ऑडियंस तो ठीक है वहाँ पर तो ऑलरेडी आपके पास वो पावर है लेकिन अगर आप एक गुरु हो आप एक uh, टीचर हो तो उस टाइम पर वो अथॉरिटी को भी रखना साथ ही साथ उस सॉफ़्टनेस के साथ उस धीरज के साथ अपने स्टूडेंट को डील करना दैट इज़ वेरी टफ़ तो अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि परफॉर्मर होना शायद थोड़ा बहुत इजी है लेकिन गुरु होना इज़ वेरी टफ़ और उसके लिए तो बहुत भगवान की आशीर्वाद लोगों की आशीर्वाद और अपनी शिष्या शिष्यों की बहुत सारी सम्मान ये सब चीज़ मिला के एक गुरु होते हैं और वो गुरु हज़ार हज़ार अपने स्टूडेंट्स अपने शागिद बनाते हैं तो उसके लायक होने के लिए ज़िंदगी की बहुत समय बहुत सारी जिम्मेदारी संगीत की कल्याण के लिए आपको निभानी पड़ेगी जी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने मराठी में कोई गाना अभी तक गाया है और आगे गाएगी जी मैंने अभी तक तो नहीं मैं गाई हूँ लेकिन मुझे बहुत बहुत चाह है अंदर अभंग गाने की तो मैं बहुत सुनती हूँ मराठी गाने लेकिन पुना में पुना के इतना शुद्ध मराठी यहाँ के लोग बोलते हैं तो मुझे अंदर थोड़ा डर है मेरे अंदर कि अगर कोई प्रोनांिएशन गलत हो गई तो क्या होगी लेकिन मैं आ, सदा चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर गाऊँगी ज़रूर गाना चाहूँगी खास करके नाट्य संगीत और अभंग में तो मुझे बहुत बहुत उत्साह है बहुत इंटरेस्ट है क्या बात है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आखिरी सवाल कि बंगाली और हिंदी जैसे अलग अलग भाषाओं में आपने गाने गाए हैं तो इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था कुछ हमारे दिनमान के मंच पर आप शेयर करना चाहेगी कुछ गाना चाहेगी जी 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 ज़रूर चाहूँगी मैं उसके पहले ये एक दो शब्द बोलना चाहूँगी कि जो भी भाषा में मैं गाऊँ सुर तो वो एक ही है रूह तो एक ही है खाली वो रूह को हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं भाव को जब हम पेश कर रहे हैं पेश करने की शब्द में लैंग्वेज अलग अलग हो रहे हैं उसके अल्फ़ाबेट्स अलग है लेकिन भारतीय रूह या फिर ग्लोबली भी आप सोचे तो आत्मा तो सेम ही है तो उसी आत्मा को लेके हमें अलग ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ना है उसके लिए जो भी भाषा आप ले लें सो उसमें फर्क या दूरी उतना कुछ है नहीं मैं मेरा मानना तो ऐसा ही है तो आ, मैं आपको एक आ, जैसे कि गज़ल मैं एक हिंदी गज़ल बहुत ही एक फेमस गजल थोड़ा गा के सुनाना चाहूँगी Yeah, uh -huh. संगीताला सीमा नाही परिसीमा नाहीत आणि त्याच्या प्रवाहात आपण जितकं जाऊ तितकं आपल्याला त्याचा आस्वाद घेता येतो ते म्हणणं ते खरंच आहे आणि आत्ता ते आपण अनुभवलं देखील संगीत हे क्षेत्र असं आहे की ज्यामध्ये आपण अतिशय कलेमध्ये समर्पित होऊ शकतो आणि कलेचा आस्वाद घेऊ शकतो असाच आस्वाद आत्ता आपण घेतला कॅमेरामन शिवाजी साळुंखे यांच्यासह तन्मय मेंदळे दिनमान न्यूज पुणे